अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस वक्त मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, अभी नहीं ख़रीदे, ये पहले के ख़रीदे हैं। मैं कुछ सेल में लिए हैं और कुछ महीना 15 दिन हो गए हैं लिए हुए। ये मैं गई तो मैं थी बेडशीट लेने आइडिया से, लेकिन वो बेडशीट पे उन्होंने सेल ख़त्म कर दी हुई थी। मैंने चादरें असल में लेके भेजनी थी, बेडशीट लेके भेजनी थी कहीं, तो वो तो उन्होंने ख़त्म कर दी हुई थी। तो फिर ये मुझे कुछ कपड़े अच्छे लगे, वो मैं ले आई। तो कुछ मैंने पहले से लेके रखे हुए हैं खादी से, और कुछ हलकरम से लिए हुए हैं वो उनके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इनको शीन करने लगी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा लूँ कि मैं इस गर्मियों में कौन से कपड़े बनवाने लगी। एक तो ये हैं, ये गुलामट के हैं। ये मैं एक एक शर्ट मिलती है पैकिंग में, ये यूं है, अभी खोले नहीं है मैं, अभी मैं शिलिंग करूँगी और फिर मैं जब स्टिच होके आएंगे तब आपको दिखाऊंगी। ये यूं है, यूं इस तरह है। ये मैंने 2 शर्ट्स ली हैं, इनका मैं सूट बनाऊंगी, प्रिंट सूट, तो वो पूरा पीस तो नहीं मिलता, तो ये मैंने 2 शर्ट ले लिया, इनका मैं ट्राउज़र शर्ट बनाऊंगी दोनों का। ये 2 शर्ट, एक सूट ये, एक मैंने ये लिया है ब्लू कलर में, और ये भी मैंने 2 ली हैं, 2 शर्ट ली हैं, इसका भी एक सूट बन जाएगा। ये दोनों गुल अहमद की हैं। और ये लिया है अलकरम का, ये शर्ट पीस था, ट्राउज़र मैंने इसका बाद में मैच किया है, बड़ा खूबसूरत है इसका प्रिंट। ये भी ये मुझे सेल में मिला था 50% ऑफ पे शर्ट, ये लिया मैंने। इसके साथ ये मैंने गोल्डन मैच किया, ग्रीन मिल नहीं रहा था तो गोल्डन अच्छा लगा, फिर मैंने गोल्डन मैच कर लिया। एक ये खुश सूट हो गया, एक ये है, ये भी बड़ा अच्छा था। ये मैंने अपनी बेटी का लिया है, इसके साथ ये ट्राउज़र, इसके ऊपर साइकिल्स बने हुए हैं, तो बच्चों को आपको पता है कि इस तरह के प्रिंट बड़े पसंद आते हैं। अच्छा, ये भी बेटी का है, ये मेरा नहीं है, मेरे ये 2 हैं पहले वाले, क्योंकि इस पे घर बना हुआ है, हाउस बना हुआ है छोटा सा, और वो बड़ा खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट है इसका। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बड़ी अच्छी सी, ये दोनों मेरी बेटी के हो गए, ये भी बेटी का है, इस पे भी बने हुए हैं ऐसे एनिमल प्रिंट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, पता नहीं मैं अच्छे से दिखा पा भी रही हूँ कि नहीं। ये इसके साथ ये भी शर्ट पीस ही मिला था, ये भी अलकरम वालों से है, और ये इसके मैक्स स्टूडियो, अलकरम मैक्स स्टूडियो, तो ये इसके साथ ट्राउज़र मैंने बाहर से मैच किया था। ये 3 उसके हो गए, और ये मैंने कुछ सेल में लेके रखे हुए हैं पहले से खादी के, 1-2 नहीं, ये सेल में नहीं है, ये मेरे ख्याल न्यू अराइवल में से हैं। एक ये है ब्लू कलर में, ये इस तरह से है, एक ये ब्लू कलर में है, प्रिंट इसका कुछ इस तरह से है। एक ये येलो कलर में है, ये भी खाड़ी का है, और प्रिंट इसका कुछ इस तरह से है। ये हो गया, ये 3 पीस है, और ये मैंने 2 पीस में से लिया था, ये इस तरह का है। गर्मियों में आपको पता है जितने कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। एक ये ग्रीन कलर में, इसका कलर और प्रिंट कुछ इस तरह से है। ये मेरी बेटी का है, ये भी खाड़ी का है, ग्रे कलर में, उसको इस तरह के पसंद आते हैं।
और ये मेरा है एक, ये अभी शिलिंग करने हैं तो मैंने निकाले हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा लूँ। अब जो घर में बैठ के टाइम तो गुजारना है ना, तो मैंने कहा ये काम ख़त्म कर लें। पता नहीं अब मास्टर लोग क्या करते हैं, पहले शिलिंग करके तो रखें। अभी दिन के 12 बजे और मैं अभी दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू बैंगन और सफ़ेद चावल। मसाला मैंने भून लिया, अब इसमें मैं बैंगन शामिल करने लगी हूँ। बैंगन मैं छील के बनाती हूँ, उनको छिलके उतार के इस तरह छील के बारीक काट के। अभी तो ज़्यादा लग रहे हैं पक के, तो ये बिल्कुल थोड़े से भुजिया से बन जानी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर लगा लूँगी। तीन चार मिनट में ही मेरे बैंगन तैयार हो जाने हैं। बैंगन हमारे हो गए तैयार। चावलों का पानी रख लिए चावल बॉयल होने के लिए। इसमें नमक। मेरे आलू बैंगन तैयार हो गए हैं, ये इनके फाइनल लुक है। तैयार हो गए। उधर मैंने चावल दम पे रखे हुए हैं, बस वो भी 5 मिनट तक हो जाएंगे। दोपहर का काम तो वह ख़त्म।